वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने उल्टा राजस्थान सरकार पर ही आरोप लगाए, लेकिन इस बीच आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान की विधानसभा में, और इसमें से कांग्रेस के पास 107 हैं, तो वहीं बीजेपी के पास 72 सीटें, निर्दलीय के पास 12 और 9 सीटें अन्य के खाते में हैं। कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है, तो ऐसे में सरकार को कोई खतरा नहीं, स्पष्ट बहुमत की स्थिति है। लेकिन आरोप अपने आप में ये बहुत अहम, जब मुख्यमंत्री सीधे ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कोरोना काल में अब राजनीति भी अनलॉक हो गया है। राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस सरकार को समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने शिव विलास रिजॉर्ट में क्वारंटाइन कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के तरफ से उनको समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए कुछ विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, वो डीजीपी को चिट्ठी लिखते हैं कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारे विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अजीब बात है कि ना तो उस पत्र में किसी विधायक का नाम है कि किसको ऑफर किया गया, ना ही शिकायत में है, जबकि सरकार इनकी है। दरअसल इस तरह की बातें लंबे समय से चल रहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ हो सकती है। प्रताप जी, क्यों ये नौबत आ गई कि विधायकों को जयपुर में होटल में रखना पड़ने की बात कर रही है? आप खुद जानते हैं, मध्य प्रदेश आपने देखा, खुद प्रधानमंत्री जी मीटिंग लेते हैं, गृह मंत्री उनके साथ बैठते हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठते हैं, जब केंद्र की सरकार, जिसको शिकायत करने के लिए लोग जाकर कहते हैं हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, पैसे के दम पर कोशिश हो रही है, वो लोग मिलकर जब मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा रहे थे, पूरे देश ने देखा, जब कोरोना संकट शुरू हो रहा था तब प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे थे, आपके ही चैनल पर दिखाया जा रहा था, जब देश की केंद्र की सरकार खुद और भारतीय जनता पार्टी जो उनकी पार्टी है उसके लोग गुजरात में तोड़फोड़ करते हैं, विधायकों को खरीद कर ले जाते हैं, होर्स रेडिंग करते हैं। मान रहे हैं कि राजस्थान में भी सरकार पर खतरा था? नहीं, खतरा था या नहीं था, लेकिन अलर्ट मोड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आए मिस्टर रणदीप सुरजेवाला और तमाम लोगों ने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, तमाम लोग कल वहाँ मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय हुआ कि भाई बाकी तो आते जाते रहेंगे, वो कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन होटल में रहे तो काफी लोग कल सामान लेकर नहीं गए। फैसला क्या आम सहमति से बनाया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर ही सब काम होता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो, सब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के टच में रहते हैं। ये राज्यसभा का इलेक्शन है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार व्यवहार रहा है पूरे देश में, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश, राज्यसभा में बहुमत लेने के लिए विधायकों को पैसे देकर, लालच देकर और तोड़फोड़ करना, वो काम गुजरात में किया। हम तो राजस्थान सरकार यहां पर गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है। खुद मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन विधायक उनके झांसे में नहीं आएंगे, पैसे की पेशकश हुई है और इसे लेकर चिट्ठी जो है डीजीपी को भी लिखी गई है। लेकिन इस बीच आपको हम विधानसभा के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की स्थिति में है विधानसभा में, लेकिन विधायकों को तोड़ने का जब आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री, तो कोरोना जैसे संकट काल में राजस्थान में अब एक सियासी बिसात नई तरह से बिछती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।